कारोबारी बरादरी का इंतखाबी दंगल। एसोसिएट क्लास की 8 नशस्तों पर पोलिंग मुकम्मल होने पर इंतखाबी अमल मुतनाज़े हो गया। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने बैलेट पेपर एतराज़ात उठा दिए, वोटों की गिनती का अमल रोक दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के तलबा डट गए। सुबह 9 बजे से कैनाल रोड पर एहतजाज और धरना जारी। डिग्रियां दो किनारे, तलबा को मनाने के लिए पुलिस के मुजाहरीन से मुजाकरात। फीसें देने के बावजूद डिग्रियां नहीं मिल रही, मुस्तकबिल दांव पर लग गया। नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, तलबा की दुहाई। केनाल रोड पर तलबा का एहतजाज, शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। केनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जेल रोड और इतराफ की सड़कों पर भी बम्पर टू बम्पर मंजर। शहरी गाड़ियों में महसूर मिनटों का सफर घंटों पर मोहित होकर रह गया। आवाम होशियार, महंगाई का सुनामी आने को तैयार। बिजली, पेट्रोल और गैस के बाद दूध और दही भी महंगी। दूध और दही की कीमत में 5-5 रुपए फी किलो, बीफ गोश्त 25 रुपए और मटन 50 रुपए किलो महंगा करने की सिफारिश। दाल चना 7 रुपए और दाल मूंग 5 रुपए किलो महंगी करने की सिफारिश। अशिया की कीमतों के तायुन से मुतालिक इजलास। जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी से जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी। पंजाब हुकूमत का यू टर्न, मेट्रो मंसूबों पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला तब्दील। पंजाब हुकूमत का रवा माली साल में मेट्रो पर सब्सिडी बरकरार रखने का फैसला। रवा बर्स सब्सिडी जारी रहेगी, आइंदा बर्स बगैर नफा नुकसान के फार्मूले पर चलाएंगे। सूबाई वजीर खजाना की जेर सदारत इजलास में फैसला। वजीर आजम हाउस और गवर्नर हाउसेस के बाद अब सरकारी रेस्ट हाउसेस की बारी। पंजाब हुकूमत का लाहौर समेत सुबह भर के तमाम सरकारी रेस्ट हाउसेस के कमर्शियल इस्तेमाल का फैसला। हमने खरबों के बिजली के प्रोजेक्ट्स लगाकर अंधेरों को खत्म किया। इमरान खान लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन अपनी काबीना से शुरू करें। हम किसी को आईन और कानून के खिलाफ नहीं जाने देंगे। साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय हठधर्मी की इंतहा, आप ही जाहिर पर उतर आया। दरिया रावी में पानी छोड़ दिया। जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 61,200 क्यूसिक रिकॉर्ड। शाहतरा के मकाम पर पानी का बहाव तेज। फिलहाल लाहौर और इर्द गिर्द के इलाके सैलाबी खतरे से महफूज। हिफाजती इकदाम के पेश नजर इंतजामिया ने दरियाए मुकीम खाना बदोशों की बस्तियाँ खाली करवा दी। शहबाज के घर के बाहर से तजावजात हटाने का मामला, क्या तमाम तजावजात का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया? जस्टिस अली अकबर कुरैशी का डिप्टी कमिश्नर से इस्तफसार। तजावजात हटाने का काम एलडीए ने किया, कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक का जवाब। मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ, सिक्योरिटी एहलकारों की चौकियां मौजूद हैं। वकील दरखास्त गुजार, अदालत का तमाम तजावजात को फौरी हटाने का हुक्म। डीजी एलडीए को अमल दरामद रिपोर्ट समेत कल तलब कर लिया। We'll be right back.
हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दूसरे रोज भी धड़ाधड़ मोटरसाइकिल सवारों के चालान। कल लाहौर में 25,000 मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए गए। सिर्फ मॉल रोड पर 3,500 अफराद पर चालान की पर्ची काटी गई। शहर में ट्रैफिक निजाम की बदहाली की बड़ी वजह सामने आ गई। लाखों रोड यूजर्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 3,200 ट्रैफिक वार्डन्स दस्तयाब। ट्रैफिक वार्डन्स दो शिफ्टों में काम करने लगे। 4,800 व्हीकल्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक वार्डन मौजूद। सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ। वज़ीर आला के इख्तियारात अब मेयर के पास होंगे। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब डायरेक्ट और जमाती बुनियादों पर होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत नए बल्दियाती निज़ाम पर मुशावरत मुकम्मल। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि बल्दियाती निज़ाम शहरी और देही तकसीम पर मुश्तमिल होगा। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। भीका पकवान फैसल टाउन में यासिर ग्रोस नाकिस सफाई पर सी। कोर्ट लखपत में फूड अथॉरिटी का छापा। डॉन ब्रेड और सनी ब्रेड को 2-2 लाख रुपए जुर्माना। 3 दिन के लिए वार्निंग नोटिस। प्रोडक्शन एरिया में नाकिस सफाई और टूटे फूटे फ्रीजर्स पाए गए।